मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के बज गए 10:30 और घर को आप देख रहे हो पूरा चकाचक है। वैसे पहले उठाते हैं सौरभ को। उठ जाओ सौरभ, कितना ज्यादा मतलब धूप सेकोगे। उठो 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 उठो, सो नहीं रहे थे, ड्रामा कर रहे थे ना। वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरभ। आज घर ना बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। मम्मी पापा चले गए हैं कल और मतलब क्या बोले यार, घर खाली खाली हो गया। फिर उनको परसों रात को गए थे और बट अभी ना वो फीलिंग आ रही है क्योंकि कल तो हम इतना बिजी थे कि ऑफिस के काम में ही। उठो ना, मेरी बेल्ट पड़ी हुई है वर्कआउट की एंड फाइनली आई हैव अचीव माय टारगेट 56 kg। मैं पहुंच चुकी हूँ, मैंने मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, लड़की ने इतनी मेहनत की थी। तुमने वेट बढ़ा लिया गाइस, यहाँ पे ना उल्टा हो गया। मैंने अपना जो वेट है ना वो वापस बैक टू 56 ले आई हूँ। 60 से 56 पे ले, 59.5 था क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत खा लिया था। एंड ही हैज गेन्ड हिज वेट 3 kg, 72 से 74 हो चुका है। ये देखो लोग कम करते हैं। ये मैंने सारे कपड़े ना यहाँ बिखेरे क्योंकि ये सब धोए थे ना अभी, तो मैंने सोचा इधर सूखते रहेंगे आराम। और कल हमने ना पूरे घर के लिए एक मेड बुलाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा डीप क्लीन करने वाला हो गया था घर पे, कितने सारे लोग थे तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया था घर। तो हमने सोचा एक बार बुला के, 3 घंटे के लिए बुलाया था एंड दे चार्ज लाइक 50 pounds। अरे वो मैंने कहा सही तो है तरीका, वैसे वो मैंने पायदान सुखाया। ओ यार गाइस, हमारा ना ये पता नहीं बार बार ना निकली जा रही है एलईडी लाइट। कल हमने जुगाड़ तो मारा बट वो सही से हुआ नहीं है। सही बोल रहे हो, बाकी तो सब साफ करके गई है, बस ये इसका ये भी कर जोड़ जाती साथ में, इसके भी पैसे बच जाते। उसको बोलो बाथरूम में हर चीज ठीक करके जाए। से उसको बोलना था क्लीनर को कि इसको रिपेयर करके जाए, वो उसका हक बनता है। ये वो रिपेयर वाला बंदा नहीं है, वो क्लीनिंग वाला है। इसके लिए तो रिपेयर वाला बंदा बुलाना पड़ेगा और वो अलग से चार्ज करे 50 pounds इसके। मेरा मतलब था कि वही कर देती, तुम्हारे पैसे बच जाते। उसको बोलते आदमी सेलो टेप्स लेके आ, गम लेके आ, साथ में ये सब भी कर ले, एक्स्ट्रा काम शुरू कर ले। अरे वो ठीक क्या है, अच्छे से किया ना तो घर पे सब ऐसे बैठते हैं कि मतलब यहाँ पे मेकअप शेकअप लगा के और बैठ जाओ ना। सब लोग ना अपना घर का काम खुद करते हैं, इसको बोलते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ। क्योंकि छोटे मोटे चीजें ना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होती है। जैसे मैंने अगर कोई प्लम्बर बुलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी फिक्स करानी है तो वो तो 50 pounds लेगा, और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ तो पूरा इकट्ठा करते रहते हैं सारे खराबी चीजें एक बार, तो बुलाएंगे तो किसी को अर्जेंट चाहिए हो, उसकी लाइट खराब हो, खुद करो यहाँ पर हर चीज। मैंने देखा क्योंकि जब हम नए नए आते थे ना तो हम किसी को बोलते थे कि भाई क्या कहते हैं बल्ब चेंज करने वाला चाहिए। हाँ तो मतलब वो लगते थे यार खुद से कर लो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोग मतलब इट्स वेरी नॉर्मल है। इवन की आई बिलीव मुझे याद है हमारे नीचे सोसाइटी वाले आए थे और उन्होंने हमसे पूछा था कि ये आप कहाँ से लेके आए हो, पूरा जो टीवी वाला यूनिट है। तो हमने उनको बताया हम आईकिया से लेके आए हैं। उन बंदों ने आईकिया से सेम यूनिट मंगवाया और खुद से इंस्टॉल किया। हमने तो एक बंदे को बुलाया था इंस्टॉल करने। हाँ हमने उस बंदे को बुला के 350 pounds दिए उसको 2 दिन के, और उन्होंने खुद से ही फैमिली मेंबर्स ने 2-3 जनों ने मिलके पूरा इंस्टॉल कर लिया और पैसे बचा लिए। सब लोग ना खुद ही करते हैं। बट यार दिस इज इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल दिस काइंड ऑफ थिंग। जो यहाँ पर है वो उनको बचपन से ड्रिल ये सब स्कूल। अच्छा उनके लिए जैसे बेसिक थिंग होगी, हम लोगों को कभी सिखाया ही नहीं गया बट मतलब हमें सीखना पड़ेगा। करो बंदा आ जाता है 100-200 rupees लेते हैं, 500 rupees। बट इवन की लोग पेंट भी खुद करते हैं यहाँ पे, वॉल पेपर पेंट ये सब चीजें पेंट करे खुद से। अरे यार देखते हैं जब करना है, पेंटिंग का कोर्स करते हैं खुद से। वैसे सही बोल रहे, सब सीख के आना चाहिए यहाँ। ओ हो कितनी गाढ़ी धूप है, बहुत ज्यादा गाड़ी धूप है यार। गाड़ी धूप क्यों है ये, सुबह देख स्ट्रॉन्ग धूप है, स्ट्रॉन्ग यार हमारे पंजाबी में। गो मम्मी पापा गए ना अभी भी पंजाबी के वर्ड्स मुंह पे आ रहे हैं, पंजाबी निकल रही है। हाँ आज कितना सुंदर लग रहा है। बोला इसको नहा ले, ये तुम इधर उधर क्यों घूम रहे हो, बाथरूम में जाके करो ना। खाली हूं पूरा, वॉक कर कर के कर रहा हूं ना। रहने दो, नीचे जो छींटे गिरेंगे वो कौन साफ करेगा। अभी दोबारा हिम्मत नहीं है मेड को बुलाने की। आई डोंट हैव सो मच ऑफ मनी भाई, अभी मैंने एक्सेस कर रहा हूं वापस से क्योंकि ना देख पूरा मम्मी आए हुए थे वर्कआउट पूरा छूट गया था। तो अब तो मम्मी पापा ने क्या तुम्हें पकड़ रखा था कि भाई तुम वर्कआउट नहीं करोगे। यार वो आए खाना पीना हो गया पूरा, वो परांठे परूठे वाला वापस से चला हुआ। और यार लाइफ सेवर फॉर मम्मी एंड पापा विदित जो है, क्योंकि पापा तो मतलब शौक हो गई कि भैया यहाँ पर तो पानी के साथ साफ ही नहीं करते हैं। बम शावर जो होता है ना इंडिया में वो यहाँ पर टिश्यू से कौन सा। तो हमने वो एड जो होती है ना इंडियन एडवर्टाइजमेंट, दुनिया का सबसे अच्छा सोल्यूशन ये भी देखा है।
देखो यहाँ पर पानी से साबे हो तब हम शॉवर यहाँ पर नहीं है। नहीं, आप अपना पर्सनल लगवा सकते हो, लेकिन लाइक यू नो इट डिपेंड्स कि आपको लगवाना है नहीं, बट मोस्ट ऑफ इसके लिए पूरे टैप लगवानी पड़ेगी, फिर उसको प्लंबर को बुला के पूरी पानी की पाइप। हाँ वो तो है, बट ठीक है, वो उसने काम कर दिया। अगर आपको टेम्पररी बेसिस पे कुछ चाहिए तो यू कैन ऑल्सो बाय। ये बिडिट माता जी पूजा हो गई है, आज मम्मी पापा के बिना पूजा हो रही है, बट ठीक है, पूजा तो हमारा रूटीन है। और सौरभ यहाँ पे कुछ तो सर्च करने में लगा हुआ है। सौरभ, व्हाट इज, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम सर्चिंग कि देखना क्या है। अच्छा, ओके। पापा तो इतनी पुरानी पुरानी मूवीज लगाते थे ना, जो हमने कभी मतलब देखी होगी 47 की। पर वीकेंड में होता है, आराम से एक मूवी देखो, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद हमारी शूटिंग शुरू हो जाएगी, जो हमारे पूरे वीक डेज की पड़ी रहती है ना, कुछ ना कुछ। दो तीन घंटे सुबह शांति से होती, उसके बाद तो फिर काम करना ही है। आज बनाए हैं सौरभ ने अपने बॉम्बे सैंडविच, शक्ल तो अच्छी लग रही है, गर्मा गर्म खाने वाले, और साथ में बनी है चाय और गुड़। ये गुड़ का क्या किया तुमने? चीनी मिक्स कर दी पापा ने, मुझे लगता है चीनी मिक्स कर दी उसके अंदर ही। कोई नहीं, चलो थोड़ा अनहेल्दी थोड़ा हेल्दी दोनों मिक्स कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी मिठाई भी खत्म हो गई है, मैं मिस कर रही हूँ मिठाई, लड्डू। सोचो वेट मेंटेन कर रही थी मिठाई के साथ, ऐसी ऐसी कहते ना कि स्किल्स। हाँ, लड्डू खाती थी और साथ में पूरा 1 घंटा प्लस 4 किलोमीटर वॉक भी कर जाती थी। ऐसे स्किल्स किसी किसी के पास होते हैं। फॉलो मी फॉर मोर निचंस और वर्ल्ड। ये आजकल ना रिपेयर वाला बंदा बन गया है। एनीवेज गाइस, शाम हो चुकी है, रेडी हो गए हैं, और आज हमारी हो रही है इनॉग्रेशन न्यू मार्केट की हैरो में। होई कि नहीं ठीक? ना यार, ये इसका कोई हल करो यार, इतनी पूरी की पूरी 2 टेप्स खत्म कर दी इसने, 2 पाउंड भी बर्बाद कर दिए। अब तेरे को पाउंड भी नहीं है तो क्या करो? इसका कोई पक्का फेविकोल वाला इलाज करो। सही बात है, फेविकोल ही लानी पड़ेगी, फेविकोल जिंदाबाद। ये टेप टू टेप से कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं सही चल रहा है, तो बार बार उतरी जा रही है। अभी हम जा रहे हैं मार्केट का आनंद उठाने, यार हम भी देख के आए, क्योंकि हमारे ग्रुप में बड़ी चैट हो रही है कि कुछ नहीं है, मार्केट खुल चुकी है, अभी फालतू में ना हाइप रह जा उसका। ठीक है, चल देख के तो आए हैं क्या, अभी मजे ले ले थोड़े से। अगर तो सुबह 11 बजे आई होती ना तो लंदन फ्री में मिलता। हाँ नहीं, पहले 100 यूजर्स को शायद फ्री में मिल रहा था, लेकिन उसके बाद लंदन का मेयर आया था 12 बजे, हम तो जा रहे थे, खत्म होने वाली है मार्केट। यहाँ तक म्यूजिक की आवाज आ रही है, और ये रहा जो हमारी इनॉग्रेशन हो रही है। अरे इधर शक्ल दिखाई, देखो शक्ल दिखाओ, अरे पिंपल हो गया। ओहो, फिर ड्राई फ्रूट खाती हूँ ना। हाँ हाँ, इसको ना फेस पे गर्मी, जैसे मैंगो खाती है, ड्राई फ्रूट खाती है ना, बहुत बड़े पिंपल हो जाते हैं। इसी चक्कर में मुझे भी नहीं खाने को मिलता है। चलो और पहुंच गए जी यहाँ पर इनॉग्रेशन, देखो पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हैरो का मेयर आया था थोड़ी देर पहले, पर हमने मिस किया। 12 बजे हम शाम को 5 बजे आ रहे हैं। बढ़िया वाली खुशबू आ रही है ना, क्या है? सबसे पहले लगा ट्रेडिशनल चिमनी केक्स। ओह माय गॉड, इट्स नाइस ना, वॉलनट केक्स अच्छे बन रहे हैं, और खुद बना रहे हैं अभी। एक्चुअल जो मार्केट है ना वो सामने वाली है, ये आज एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। ये देखो इधर पीतल के कप और ग्लासेस। Can you hear it? It's actually very noisy here, no? Loud here. We have Mexican noodles है यहाँ पे, Japanese street food, Sri Lankan food, वहाँ पे music चल रहा है, तो काफी सारी यहाँ पे बच्चों के लिए जो उन्होंने बनाया ना छोटा सा area, that's very nice. और उधर सारे पॉपकॉर्न और ये बैठने का सिटिंग एरिया है। तो सौरभ पहुंच गया इधर, क्या ले रहा सौरभ? पिल्लो बड़े पड़े घर पे, पिल्लो मेरे पास जगह रखने को जगह नहीं है, तो ये इस मार्केट से बाय बोलते हैं। इट्स अ स्मॉल कॉमन मार्केट यार, नथिंग नथिंग फैंसी। हाँ नथिंग फैंसी, तो मूव टू द अदर प्लेस। कि पूरा टाइम लास्ट 2 वीक की सेल लगी होती है, कभी खत्म भी नहीं होते इनके लास्ट 2 वीक। क्या बेवकूफ बनाते है। क्या बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। इसे धूप हो गई है तो मेरे शॉर्ट्स डालने का मुझे कुछ तो फायदा हुआ। बहुत प्यारी वाली धूप है, और जब धूप में तुम वीडियो बनाते हो ना तो वो अलग ही आती है, नेचुरल लाइट जो होती है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अभी हम नेटली जा रहे हैं थोड़ा सा बूट्स की तरफ, और कहाँ जाना हमें, और इसको चाहे गोगल्स देखने हैं, नहीं
अभी हम जा रहे हैं बूट्स की तरफ और इसको थोड़े शेड्स भी लेने हैं। इसके जो शेड्स है जो टूट गए हैं और मैं इसको बोल रही हूँ ले ले भाई ले ले। अरे जानना चाहता हूँ, टाइम नहीं मिलता भाई, बिजी बहुत है। लेकिन आज हम इसको शेड्स दिलवा के रखेंगे, जो मर्जी हो जाए। देखो जी, आई थी मेरे को शेड्स लाने की, यहाँ पे खुद का सामान देखने लग पड़ी। हाँ हाँ, देखो हर चीज अच्छी लगती है, कोई ऐसी चीज है जो मेरे को अच्छी ना लगे हो। इसका एक ही फेवरेट है शुरू से ही, और उसको फिर 5 साल तक चलाएगा सीट के सीट के, जब तक उसकी हड्डी पसली जो है एक हो जाए। ये वही चलाता है इसको। देखो मैं थोड़ी सी लेट गया, अभी तो सो ही गया इधर। उठो भाई, तुम थोड़ी देर नहीं बोले हो, 20 मिनट के बाद आए हो। उठ जाओ, उठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ। बोलती मैं 2 मिनट में आ रही, 2 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 20 मिनट लग गए। अरे मेरे को मेरे शेड्स भी मिल गए थे, उठ जाओ चले। तुमसे बढ़िया मैं लग रही हूँ सौरभ भाई, तुम मेरे डार्क सर्कल हो गए हैं, उसको ठीक करो यार। फिर उसको सोना पड़ेगा। तुम रहे नहीं हो, इतनी मेहनत करते हो बेचारा, क्या क्या बोलूं मैं। सही बात है यार, वर्क लाइफ बैलेंस की ना बैंड बज रही है अभी आज के टाइम में। लेकिन यू नीड सीरियसली समथिंग स्लीप। स्लीप तो है, लेकिन थोड़ा सा मैं तुम्हें घर जाके ना अपने प्रोडक्ट्स देती हूँ लगाने के लिए, और अपनी हेयर कट भी करा के आओ। अभी चले जाओ, अभी तो फिर बाल बाल हो जाएंगे, कल सुबह जाना। ठीक है मैडम जी, मैं अप्रूव कर दिया, हेयर कट करा दो। वैसे ये अप्रूव नहीं करती, मेरे से पूछ के आगे कराता है ना, करवा के जाता, बोलेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, और मैं बोलूँगी क्या करा के आ गए, अच्छा नहीं किया उसने। तो हर बार तो नया नया बंदा ट्राई करते हो। तो क्या करूँ, कुछ फिक्स ही नहीं हो रहा। मैं जब भी जाता हूँ वहाँ हमेशा नया बंदा होता है। मुझे ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा है टेस्को के अंदर से, वो रहा टेस्को, उठाओ उठाओ, तुम ही लेके आए थे जो लगा के। अरे बाप रे, तोड़ मत नहीं हो। हाँ गाइज, यहाँ पर ऑयल की इतनी किल्लत हो गई है ना, कि आज ऑयल अवेलेबल हो रहा था तो लोग चार चार छह छह डब्बे भर के लेके जा रहे थे, और हमने तो एक ही लिया क्योंकि हमारे पास रखने को जगह नहीं है। हाँ वैसे भी हम कुकिंग ज्यादा करते नहीं है, और क्या जी, और क्या, उनको तो चाहिए ही ना, उनको तो महीने में लग जाएगा। हम वी आर गोइंग इन सम बर्थडे पार्टी, फ्रेंड की बेबी की बर्थडे पार्टी है, और हम लोगों ने चॉकलेट्स ले लिए गिफ्ट में। लेट्स मूव यार, वो लोगों को फोन आया कि तुम लोग लेट हो गए हो, जल्दी हो रही है ना, वो हो रही है गार्डन के अंदर। ये है हमारा हैरो पार्क, और सामने मुझे दिख रहा है वहाँ पे पार्टी अरेंज हो रही है, काफी सारे बच्चे भी हैं क्योंकि देवी की पार्टी है ना, बच्चे छोटे की, छोटे भी बच्चे, 5 साल के बच्चे की पार्टी। शी इज अ बर्थडे गर्ल, और यहाँ पे चल रही है पार्टी की पूरी तैयारियाँ, यहाँ पे खाने पीने का सामान, उधर सौरभ। तो गेम्स के रूल बताए जा रहे हैं, राम और रावण, अगर रावण बोला है तो लड़कियों को लड़कों को पकड़ना है, राम बोला है तो लड़कों को लड़कियों को पकड़ना है। Oh my God! Few shout. तो दो लड़के आउट हो गए हैं गेम में। केक फेयर फेस क्रिशा वाव वाव एंड दी द कपकेक वाव नाइस। सौरभ सबसे पहले आगे बैठे क्योंकि वो 2 दिन बाद भूल भी जाएगा केक कब कट रहे। हैप्पी बर्थडे सौरभ, देखो सबसे पहले बच्चे के नाम पे गा रहे हैं। बारिश भी शुरू हो गई है, मेरे को तो कुल्फी जम रही है। आ गए हैं सौरभ, फटाफट बैठ भी गया बिकॉज उसको ऑफिस का काम करना है। तो गाइस आप लोगों को बाय बोलते हैं, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम रिच एंड सौरभ वर्ल्ड। और 10 बज गए रात के, है ना, तो बाय बोलते हैं गाइस, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम रिच एंड सौरभ वर्ल्ड।